का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोगों के लगातार डिमांड करने के बाद ही मैं इस विषय के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए। तो आज का विषय क्या है कि कैसे पता लगाएं कि कोई औरत संभोग सुख को प्राप्त कर चुकी है। तो सबसे पहले संभोग को समझ लेते हैं। संभोग जो है वो जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। संभोग से मिलने वाला सुख ना केवल आपको शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी स्वस्थ रखने में मदद करता है। जब दो लोग संभोग की क्रिया में लीन होते हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि दोनों को ही संभोग सुख की प्राप्ति हो। लेकिन देखो, जिज्ञासा तो यहीं से शुरू होती है, ये जानने की कि यार मैं तो डिस्चार्ज हो गया, क्या मेरी पार्टनर डिस्चार्ज हुई, उसे संभोग सुख प्राप्त हुआ, वो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हुई, कैसे पता लगाए? क्योंकि जो मेल है उसकी शरीर की बनावट तो ऐसी, कुदरत ने उसे ऐसा बनाया है कि सब कुछ ऊपर ही नजर आ जाता है, उसके पीनस से डिस्चार्ज होता है सामने दिख जाता है। लेकिन फीमेल के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है और मेल इस चीज को लेके और मर्द हमेशा इस चीज को लेके परेशान रहते हैं अंदर ही अंदर कि यार कैसे पता लगाएं कि जो मेरी वाइफ है या मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो डिस्चार्ज हो गई है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो औरत के शरीर की बनावट है उसे आप बदल नहीं सकते, कुदरत को आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो जो उसे भगवान ने दिया है वो दिया है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि हाँ, आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड डिस्चार्ज हो चुकी है। और मैं लिख कर दे रही हूँ, आपको कोई नहीं बताने वाला है, कि किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर वन, एक औरत का जो शरीर होता है वो बहुत बहुत और बहुत ही सेंसिटिव होता है। उसके सर के बाल से लेके उसके नाखून तक करंट का पूरा फ्लो बहता है। तो जब आप उसके शरीर के साथ लिपटना चिपटना शुरू करते हैं, उसके अंगों के साथ छेड़खानी करना शुरू करते हैं, तो सोचो उसकी बॉडी के अंदर कितनी सेंसिटिविटी होती होगी। उसके व्यवहार में भी काफी बदलाव आता है। आप लोगों ने खुद भी इस चीज को नोटिस किया होगा कि वो सेक्स के दौरान मोर्निंग करती है, उसकी तेज तेज सिस्कारियां भी निकलती है। किसी पर्टिकुलर सेक्स पोजीशन में अगर उसे कुछ ज्यादा ही इंजॉय फील हो रहा होता है, उसको ज्यादा मजा आ रहा होता है, तो उसकी सिस्कारियां भी तेज हो जाती है। उसके आंखों का खुलना, कभी बंद होना, अगर आप उसको गर्दन पे किस कर रहे हैं, उसकी गर्दन पर झूल रहे हैं, तो उसके होठों का खुलना बंद होना, तो ये सारे एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह की एक्टिविटीज, इस तरह के हाव भाव, इस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन, ये सेक्स और प्ले के दौरान ही देखने को मिलते हैं। लेकिन जब कोई फीमेल क्लाइमेक्स तक पहुंच रही होती है, ऑर्गजम रिलीज करने वाली होती है, तो उसका जो शरीर है वो सिकुड़ना शुरू होता है, उसके अंदर बेचैनी शुरू होती है, तड़पन शुरू होती है, और वो आपको अपनी तरफ खींचना शुरू करती है। उसका शरीर धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू होगा। ये बेचैनी, ये तड़पन आपको शुरुआत में देखने को नहीं मिलेगी, मतलब जब आप सेक्स शुरू करते हैं तो शुरू शुरू के टाइम में मिड तक आपको ये देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही वो फीमेल क्लाइमेक्स तक पहुंचती है, ऑर्गजम रिलीज करने वाली होती है, तब भी उसके अंदर ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। वो आपको पकड़ कर खींचेगी, आपकी कमर पर नखून भी मार सकती है, आपको दांतों से बाइट भी कर सकती है। और अगर आपकी जो पार्टनर है अगर वो कुछ ज्यादा ही बोल्ड है, तो हो सकता है वो आपको बोलना भी शुरू करे कि थोड़ा फास्ट करो, रुको मत, तेज करो। दूसरा पॉइंट, जब कोई फीमेल डिस्चार्ज होने वाली होती है तो उससे पहले उसकी जो वजाइना है वो सिकुड़ना शुरू होती है, टाइट होना शुरू होती है, वो आपके पीनस को पकड़ना शुरू करती है, उस पर होल्ड बनाना शुरू करती है। और उसके इस टाइट वजाइना को, इस सिकुड़न को आप तभी महसूस कर सकते हैं जब आपके पीनस में वो तनाव हो, वो टाइट हो। अगर वो टाइट होगा तभी आप समझ पाएंगे कि वो कितनी टाइट है, मतलब उसकी जो वजाइना है उसमें कितनी टाइटनेस है, वो सिकुड़ रही है, और आप इसे अंदाजा लगा पाएंगे कि मेरी जो वाइफ है या मेरी जो गर्लफ्रेंड है डिस्चार्ज होने वाली है। क्लाइमेक्स पर पहुंचने के बाद, आई मीन डिस्चार्ज से कुछ मिनट पहले, उस फीमेल को आपके हर टच का अनुभव कुछ ज्यादा ही होगा, मतलब आप कुछ भी उसके साथ करोगे उसको कुछ ज्यादा ही प्लेजर फील होगा, वो कुछ ज्यादा ही फील करेगी। कुछ फीमेल ऑर्गजम के टाइम पर हो सकता है स्मूच करने के लिए बोले, और हो सकता है अगर वो ज्यादा शाही है तो ना भी बोले, या आपको खुद समझने की जरूरत है। वो उसकी जो बॉडी है उस वक्त तड़प रही होती है, तिलमिला रही होती है, बेचैन होती है, तो
तो उस वक्त सिर्फ इन आउट का गेम नहीं खेल सकते आप, मतलब वजाइनल इंटरकोर्स ही उसके लिए काफी नहीं होता, उसकी बॉडी ज्यादा डिमांड कर रही होती है। हो सकता है ये चाहते हो कि आप वजाइनल इंटरकोर्स के टाइम पर अंदर बाहर करते हुए उसको स्मूज करें, पकड़ के उसको स्मूज करते रहें, उसके बूब्स को प्रेस करते रहें। कुछ फीमेल जो कि बहुत ज्यादा बोल्ड होती है, एक्सप्रेसिव होती है, वो तो खुद अपने पार्टनर का हाथ जो है अपने बूब्स पर रख देती है, कोई थाई पर रख देती है कि आप रगड़ते रहो। तो ये सारी चीजें उसके अंदर चल रही होती है क्योंकि वो क्लाइमेक्स पर होती है। और उस वक्त अगर आप ये चीजें नहीं समझ पाते हैं या नहीं कर पाते हैं तो वो उस तरीके से संतुष्ट नहीं हो पाती है। अब अगर आपने स्मूच करना शुरू कर दिया वजाना इंटरकोर्स के टाइम पे, बूब प्रेस कर रहे हैं या उसे रब कर रहे हैं उसकी बॉडी को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप वजाना इंटरकोर्स ना करें, वो आप करते रहिए, उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर उसमें ब्रेक हो गया फिर तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी बॉडी एक्टिव मोड पे है, उसे ज्यादा से ज्यादा चाहिए, उसे प्लेजर भी चाहिए, उसे दर्द भी चाहिए, उसे मजे भी चाहिए, उसे सब कुछ चाहिए एक ही टाइम पे। आपका पीनस भी चाहिए उस वक्त, और स्मूच भी चाहिए, बूब प्रेस भी चाहिए, एवरीथिंग। और आता है वो डिस्चार्ज हो जाने के बाद, मतलब ऑर्गजम रिलीज हो जाने के बाद, उसका जो बदन है वो ढीला पड़ जाएगा, वो थक जाएगी, टायर्ड फील करेगी, बेड पे से उठना भी नहीं चाहेगी, चेहरे पे मुस्कान होगी, आंखों में चमक होगी, दिल और दिमाग दोनों ही खुश होंगे और खूबसूरत दिख रही होगी। किसी फीमेल का सेक्स के दौरान डिस्चार्ज ना हो पाना या उसका पूरी तरह से संतुष्ट ना हो पाना उसका मूड खराब करता है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन लेकर आता है। सेक्स हो जाने के बाद उसका पूरी तरह से किसी भी काम में मन नहीं लगता है, उसका माइंड भी डाइवर्ट रहता है, घर में कलेश होते हैं, वो चिड़चिड़ापन कहीं तो निकलेगा ना। लेकिन अगर उसका ऑर्गजम रिलीज हो जाता है, वो संतुष्ट हो जाती है, तो ये समझिए कि नेक्स्ट टाइम भी आपसे फिजिकली इंटीमेट होने के लिए खुद से ही उत्सुक रहेगी, क्योंकि उसको आपने जो प्लेजर दिया, जो टाइम लगाया उसके साथ, उसका एहसास उसे हमेशा रहता है। और ये ह्यूमन नेचर है कि जिस काम को करने में किसी इंसान को बेहद मजा आया उसे वो बार बार करना चाहेगा। लेकिन अगर किसी फीमेल को संतुष्टि नहीं मिलती है, उसका ऑर्गजम रिलीज नहीं होता है, और ये हर बार की कहानी हो गई है, मतलब एक बार तो चलो हो गया कोई दिक्कत नहीं कि नहीं हो पाई वो संतुष्ट, लेकिन अगर हर बार उसके साथ ऐसा ही हो रहा है और ये चीजें रूटीन में चलने लग गई है, वो कभी संतुष्ट हो ही नहीं पाती है, तो उसके बाद वो सेक्स जैसी चीज से बचना शुरू कर देती है। उसके मुंह पे हमेशा ना ही रहता है कि यार मुझे नहीं करना, क्यों? क्योंकि बोल वो पाती नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरा हस्बैंड मुझे ही गलत ना समझने लग जाए। और होता भी है कुछ केसेस में, जिनके हस्बैंड जो होते हैं नैरो माइंडेड होते हैं, अगर मान लो उसकी जो वाइफ है उसने हिम्मत करके बोल दिया कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही हूँ, तो पता लग रहा है कि अगला उसे यही बोल रहा है, क्या कोई और आता है कि तुमको सेटिस्फाइड करने के लिए, किसी और से संतुष्ट होती है क्या? ये दो बच्चे मैंने ही तो करे हैं और तू कह रही संतुष्ट नहीं हो पाती अब तू? तो ऐसे भी लोग होते हैं जिसके वजह से वो फिर सोचती है कि यार चल छोड़, मैं करती ही नहीं हूँ, या ठीक है एक ड्यूटी सेक्स उनके बीच में होने लग जाता है, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर आपको शक करने की बजाय कुछ बातों को समझने की जरूरत है कि एक जो फीमेल बॉडी होती है वो दिखती तो सबकी एक जैसी है, लेकिन वो अंदर से एक जैसी नहीं होती है। तो हर फीमेल का जो संभोग का सुख होता है, उसका जो लेवल होता है, वो भी अलग अलग होता है। कोई किस तरीके से संतुष्ट होती है तो कोई किस तरीके से संतुष्ट होती है। तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत है, अपनी पार्टनर से पूछने की जरूरत है, थोड़ा सा ओपन होने की जरूरत है, और दूसरा सेक्स पोजीशन में बदलाव लाने की जरूरत है, आपको एक्सपेरिमेंटल होने की जरूरत है। और आप तो बहुत लकी हैं कि वो आपको खुद से आकर बोल रही है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही हूँ, बजाय वो कोई दूसरा रास्ता अपनाए। इनफैक्ट वो आपसे बोल भी इसलिए रही है क्योंकि वो शायद जानती है इस चीज को कि आप काबिल हैं, इसीलिए वो आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन उम्मीदें उसी से होती हैं जिसे लगता है कि हाँ ये कर सकता है और अच्छा, वरना जहाँ उम्मीदें नहीं होती तो वहां पर तो ताले लगा लिए जाते हैं, चुप हो जाता है इंसान। अब कुछ फीमेल तो ऐसी होती है जो झिझकती हैं, खुलकर बोलती ही नहीं है, नाटक भी कर देती है, झूठ बोल देती है कि चलो हटो हो गया ना तुम्हारा, बहुत काम है अब मुझे। फिर बाद में उनकी जो चिड़चिड़ाहट होती है, उनकी जो फ्रस्ट्रेशन होती है, वो बच्चों पर निकल रही होती है। कम से कम आपकी वाइफ के साथ वो चीज़ तो नहीं है। यहाँ पर ना आपको औरत के शरीर को समझने की जरूरत है कि एक मेल के साथ तो क्या होता है कि वो एक बार अगर उसका ऑर्गजम रिलीज हुआ, डिस्चार्ज हुआ, तो ढेर हो जाता है। लेकिन एक जो औरत होती है ना, उसकी जो बॉडी की कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है, एक मेल के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। यानी फीमेल तो ऐसी होती है जब वो 3 से 4 बार अपना डिस्चार्ज ना हो जाए उसे संतुष्टि नहीं मिलती, और उसके बाद भी वो एक्टिव मोड पे रहती है,
के कर लो मेरे साथ, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है मेल में और फीमेल में। वो सेक्स खत्म होने के बाद भी, उनके लिए सेक्स खत्म नहीं होता, उन्हें आफ्टर प्ले भी चाहिए होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किसी औरत को कैसे पहचाने कि वो संभोग सुख प्राप्त कर चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि अब आप अच्छे से समझ पाएंगे अपने पार्टनर को कि उसने ऑर्गजम रिलीज कर दिया है अपना, संभोग सुख को प्राप्त कर चुकी है या नहीं। सो थैंक यू सो मच।